आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी का सफल परीक्षण किया है। इस तकनीक के जरिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। इसके साथ ही ये टेक्नोलॉजी गगनयान आरएलवी और डीआरडीओ के मिशंस में एक अहम भूमिका निभाएगा। हाइपरसोनिक युग में भारत के बढ़ते कदम पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। हाइपरसोनिक युग में हिंदुस्तान के बढ़ते कदम की तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी विकसित कर दुनिया को ये दिखा दिया है कि ताकत और तकनीक के मामले में भारत किसी से कम नहीं। हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा को S2 का नाम दिया गया है, जिसे जिगर ठंडा टनल भी कहा जा रहा है। हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल 24 मीटर लंबी है, जिसमें 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हासिल करने वाली टेस्टिंग होगी। इस परीक्षण सुविधा से भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर व्हीकल को हाइपरसोनिक रफ्तार जैसी अवस्था में सटीक परिणाम देने के लिए तैयार किया जाना आसान होगा। हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला वेपन, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसी रफ्तार को ताकत बनाने में जुटी है दुनिया, जिसमें भारत भी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। This facility will be used to teach and train the next generation of students in the field of experimental hypersonics. It took us 3 years to design and develop this facility, and this facility, apart from being used for teaching hypersonics, it will also be used to cater to the needs of ongoing programs or the future missions of ISRO and DRDO. Hyper Velocity Expansion Tunnel Facility एक ऐसी उपलब्धि है जो हाइपरसोनिक रिसर्च क्षेत्र में नए मानक तैयार करने वाली है। ये देश के अहम परियोजनाओं और मिशनों के लिए घरेलू हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमताओं के साथ भारत के अंतरिक्ष और रक्षा संगठनों को सशक्त बनाएगा। कानपुर से रंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।